सनातन धर्मावलंबियों के लिए चैत मास का विशेष महत्व है। इस मास में माता दुर्गा की पूजा की जाती है। चतरा जिले के इतखोरे स्थित चैपिया बागी चैती दुर्गा मंदिर में बड़े धूमधाम से मां की आराधना की जाती है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अनुज ने। देखिए, अभी चैत नवरात्र चल रहा है और इस चैत नवरात्र के दौरान माता दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। आज हम पहुंचे हैं चतरा जिले के एक ऐसे स्थल में जहां माता दुर्गा की वर्ष 1965 से पूजा की जा रही है। हम आपकी बात करवाते हैं, यहां प्रबंधन के लोग हैं और स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उनसे भी मैं आपकी बात कराता हूं। क्या बदला है कल और आज में, चूंकि वर्ष 1965 और आज एक बड़ा सा काल परिवर्तन हुआ है, क्या बदला है कल का पूजा में और आज का पूजा? देखिए, यह जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है, माने 1964-65 से यहाँ पूजा होते आ रहा है। तो इससे पहले यहाँ काली पूजा हो रहा था। काली पूजा होते होते कुछ दिनों तक काली पूजा चला और उसके बाद काली पूजा बंद हो गया। फिर यहाँ चैती दुर्गा पूजा स्टार्ट हुआ और चैती दुर्गा पूजा भी बहुत दिनों से चल रहा है और हम लोग चैती दुर्गा पूजा का यहाँ जो पूजा पाठ करते हैं बहुत धूमधाम से कर रहे हैं और इलाका के लोग खुशहाल भी हैं। क्या क्या बदला है इस पूजा के दौरान, इस लंबे अंतराल के दौरान में इस मंदिर से, पूजा से क्या फायदा हुआ है? बहुत तरह का फायदा हुआ है। गांव घर में जितने भी लोग हैं सब सुखी संपन्न हैं, भली भांति से सब लोग रह रहे हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार का अनहोनी नहीं हो रहा है, हम लोग सब खुशहाल हैं। विशेष और क्या बोले इसमें। अब इसी मंदिर के पुरोहित है, मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा और उनसे जानेंगे कि आगे अभी तक जो है वो किस तरह पूजा हो रहा है और कल कब शुरुआत की गई थी। देखिए, यहाँ पे अद्भुत शक्ति है। हमारे दादाजी कहते थे कि ये पांच गांव का मिडिल पॉइंट में यह मंदिर है और इसे पांच गांव सटा हुआ है। एक बार हमारे दादाजी कहते थे कि एक बार इस गांव में महामारी आ गया था और महामारी आने के बाद सभी बुद्धिजीवी लोग इस पूजा अर्चना को रखे और वहां से माने असीम शक्ति मिला। जो व्यक्ति, जो भक्तगण यहाँ अपना माथा टेका, उनके पूर्ण रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। देखिए, यहाँ ज़्यादा दिन तो नहीं है लेकिन इसके पहले कोरोना आया, उस कोरोना में भी माँ का शक्ति ऐसा आया, माने माँ का असीम कृपा इतना मिला कि हमारे गांव के एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी कहीं क्षति नहीं हुआ। वो हम समझते हैं कि ये माँ की कृपा है। अब मैं आपकी बात कराता हूँ, जब ये पूजा की बात करते हैं तो निश्चित मानिए यहाँ पे एक उसी वर्ष से यहाँ पे नाटक का मंचन भी होता है और नाटक मंचन से यहाँ का कौशल विकास हुआ और साथ साथ लोगों का एक बेहतर मनोरंजन हुआ। आज भी वो नाटक होता है यहाँ पे, उस नाटक के कलाकार यहाँ पे है, उसके डायरेक्टर है, और उस जमाने में कह सकते हैं कि आज और पुराने जमाने में भी इन कलाकारों ने बहुत कुछ देखा है। मैं आपकी उनसे भी बात कराता हूँ। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका सर? श्याम किशोर प्रसाद। ये बताइए, यहाँ पे एक नाटक कभी मंचन होता है इसी टाइम में, तो इस नवरात्र के बीच में, तो किस तरह का आयोजन वो होता है? ये नाटक जो है सो पूर्व से ही हमारे यहाँ चला रहा है और एक हमारा संस्कृति का बहुत बड़ा धरोहर है। आज भी यही रंगमंच का एक देन है कि आज भी बहुत से हमारे जो बहुत छात्र हैं, बहुत से लड़के हैं कि दूर दराज में भी अपना अच्छा प्रतिभा का निखार दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि अभी हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग आपको बताए हैं कि विगत 35-37 साल से यहां पर पूजा होते आ रहा है और लगातार होते आ रहा है। 2017 में हम लोग यहां स्थायी मूर्ति स्थापित कर जो लगातार पूजा करते आ रहे हैं। यहां 9 दिन तक भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो फिर मिट्टी का ही स्टार्ट हुआ चैती दुर्गा पूजा, उसके बाद में धीरे धीरे चलते चलते फिर 17 में आके हम लोग संगमरमर के दुर्गा जी स्थापित किए। ये लोगों का मानना है। अपने कैमरा पर्सन प्रज्वल मिश्रा के साथ चतरा से अनुज कुमार पांडे, धन्यवाद।